दोस्तों, शेर जंगल का राजा होता है, ये तो हम सब ने किताबों में पढ़ा है। लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जो किसी शेर को अकेले ही मार सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे जानवरों के बारे में जो शेर को मारने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या एक जिराफ सच में शेर को मार सकता है? जी हाँ, जिराफ शेर की जान ले सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जिराफ की लंबी टांगे और लंबे गर्दन। वास्तव में जिराफ दुनिया का सबसे लंबा मैमल यानी सबसे लंबा स्तनधारी जीव है। जिराफ के पैर 6 फीट तक लंबे होते हैं, जिसकी मदद से ये जानवर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जिराफ के सर पर मौजूद छोटे छोटे सिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं, बल्कि दुश्मनों से लड़ने में मदद करते हैं। जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से इतना पावरफुल वार कर सकता है कि एक ही वार में किसी शेर की हड्डियाँ तोड़ दे। इसके अलावा एक जिराफ का वजन करीब 820 किलोग्राम तक होता है, जो कि शेर के वजन से 4 गुना है। यही नहीं, अगर जिराफ पूरी ताकत के साथ शेर को सही जगह पर लात मार दे तो एक ही झटके में शेर का काम तमाम हो सकता है। ये तो सब जानते हैं कि शेर जंगली भैंसे का शिकार आसानी से कर लेता है, लेकिन एक अकेला शेर किसी जंगली भैंसे का शिकार अकेले कर ले ये मुमकिन नहीं है। बफेलोज को असल में ज़्यादा खतरनाक और गुस्सैल जानवर माना जाता है, और कई बार ऐसा भी हो चुका है कि किसी जंगली भैंसे ने शेर की जान ले ली। और चूंकि ये जंगली भैंसे अक्सर झुंड में सफ़र करते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा हमला नहीं होता है। हाँ, ये मुमकिन है कि शेर भैंसे के छोटे बछड़े को मार सकता है, लेकिन शेर कभी भी वयस्क भैंसे से पंगा नहीं लेता है, आप खुद देख सकते हैं। राइनो ज़्यादातर शेर से डरते हैं, लेकिन फिर भी शेर एक अडल्ट राइनो पर हमला नहीं करता है। बूढ़े राइनो या राइनो के बच्चों का शिकार शेर आसानी के साथ कर सकता है, मगर एक अडल्ट राइनो की बात ही अलग है। एक अडल्ट राइनो का वजन लगभग 2200 किलोग्राम तक होता है, जो कि शेर के वजन से 10 गुना है। इसके अलावा राइनो की चमड़ी भी बहुत मोटी होती है, साथ ही इसके सिंग भी इतने ताकतवर होती है कि ये कार तक को आसानी से फाड़ देती है। अब जब राइनो के सिंह मेटल तक को आसानी से छेद कर सकती है, फिर तो शेर एक हाड़ मांस वाला जीव है, उसका क्या होगा। हालांकि राइनो जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये हाथी तक को नहीं छोड़ते हैं। शेर जब हाथी का शिकार करता है तो अक्सर पीछे की ओर से हमला करता है। इसके अलावा शेर ज़्यादातर बच्चों या मादा हथनी पर हमला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेर हाथी पर पीछे से हमला क्यों करता है, तो ये वीडियो देखिए। यहाँ एक गुस्सैल हाथी एक जंगली भैंसे को पटक कर ऐसे मार देता है जैसे कोई छोटा सा मामूली जानवर हो। जरा सोचिए, जब एक हाथी एक जंगली भैंसे का ये हाल कर सकता है तो शेर का क्या हाल करेगा। इसके अलावा हाथी जमीन पर पाए जाने वाला सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, जो कि अपने वजन से 2 गुना वजन उठा सकता है। हालांकि ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां शेरों ने हाथी को मार डाला, लेकिन वहां शेर झुंड में थे। अकेला शेर कभी भी हाथी से मुकाबला नहीं करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन अ टाइगर फाइट्स इट फाइट्स टू किल। टाइगर कितना खतरनाक है ये इस कहावत से ही पता चलता है। इसके अलावा टाइगर शेर से ज़्यादा फुर्तीला और ज़्यादा ताकतवर भी होता है। टाइगर को लेकर ये भी कहा जाता है कि टाइगर शेर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अक्सर ये भी देखा गया है, जहाँ शेर ज़्यादातर झुंड में शिकार करते हैं, वहाँ टाइगर अकेला ही शिकार करता है। और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि जंगल को एक नया राजा मिलने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।